गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपका आर एस कैरियर इंस्टीट्यूट बायोलॉजी में आपका स्वागत है। और अपन ने जो है इकोलॉजी यूनिट वो चल रही थी अपने CSIR नेट लाइफ साइंस के अंदर, तो उसमें हम आज बात करेंगे लेक्चर नंबर 6 की, तो जिसका नाम क्या है अपना, सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स। ये बस भाई, तो क्या नाम है, सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स। तो इसमें क्या है कि इसमें अपन को वैल्यू निकालनी है, कि एक फॉर्मूला है अपने पास, उससे अपन को वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पे नाम दे रखा है अपन ने क्या, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता। ये बस मांगी, तो देखो यहाँ पे दो नाम है, एक तो देखो सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स, या तो ये पूछेगा या क्या पूछेगा, सिम्पसन इंडेक्स। तो दोनों का आपको ध्यान में रखना है कि उसने पूछा क्या है। तो अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा कि जैसे यहाँ पे मैंगो, पपाया, पलम, गुआवा और डियोडर, ये बस मांगी, तो दो ये सारे क्या फ्रूट्स हैं, तो इनके नंबर दे रखे होंगे जैसे 19, 22, 5 और 14। ये बस मांगी, ये नंबर दे रखे हैं। तो देखो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कि जो सिम्पसन इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, समेशन ऑफ, ये जो सिंबल होता है ये समेशन का होता है, मतलब जोड़ने का सिंबल होता है। किसका किसको जोड़ना है, जितने भी एन और n-1 उन दोनों का जो मल्टीप्लाई है उनको जोड़ना है। ये बस भाई, और डिवाइड किससे करना है, जो कैपिटल एन है और जो कैपिटल n-1 है उन दोनों का मल्टीप्लाई। जैसे स्मॉल एन का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे 2 है, ये बस भाई, या फिर मान लो यहाँ पे क्या है, 10 है। ये बस नहीं, तो 10 है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10-1 मतलब 9 से, तो 10 × 9, तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा, 90। ऐसे ये बस नहीं, तो ऐसे अपन को रखना है। ये हो गया सिम्पसन इंडेक्स। और इससे अगर अपन को सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स निकालना हो तो इस जो वैल्यू आएगी इस पूरे से उसको 1 में से माइनस कर दो, वो क्या आ जाएगा, सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स। तो आपको ध्यान में रखना है कि उसने सिम्पसन इंडेक्स पूछा है या सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स पूछा है। तो अब देखो सबसे पहले ये एन कैपिटल एन ये कैसे निकालते हैं, तो जो सबका प्लस है ना वो होता है कैपिटल एन। ये बस माई, तो कैपिटल एन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबका प्लस किया अपने क्या है अपने पास 60। ये बस माई, तो अब देखो यहाँ पे नीचे क्या रखेंगे अपने, यहाँ पे तो रखेंगे 60। ये बस माई, और इधर क्या रखेंगे, n-1 मतलब 60-1 कितना हो गया, 59। तो 60 × 59 ये तो रखेंगे नीचे। ये बस माई, तो नीचे क्या रखेंगे अपन, जैसे एन बराबर यहाँ पे 60, ऐसे एन कैसे निकालेंगे, कैपिटल एन इन सबका प्लस कर देंगे, तो जो आएगा वो क्या होगा, कैपिटल एन। तो कैपिटल एन हो गया 60 और एन माइनस हो गया 60-1 59, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आया 3540, 3540। तो ये तो कहाँ रखेंगे, नीचे। ये बस भाई, अब ये ऊपर वाला देख लेते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो जो स्मॉल एन है वो क्या होता है, ये सारे क्या है, स्मॉल एन। ये बस भाई, जितने भी है 19, 22, 5 और 14, ये क्या है, स्मॉल एन। तो देखो स्मॉल एन और n-1 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। स्मॉल एन मान लो 19 है, तो n-1 क्या होगा, 19-1 मतलब 18, तो 19 18 × 18 ये आ गया 342। तो ये 342 क्या है, n × n-1। ये बस भाई, अब ऐसे ही नीचे वाले के लिए निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो 20 तो n हो गया और 20-1 कितना हो गया, 19, तो 20 × 19 ये आ गया 380। ये बस भाई, ऐसे ही इस 2 का कैसे करेंगे, एक 2 और 2-1 1, तो 2 × 1 ये आ गया 2। ये बस भाई, फिर यहाँ पे 5 का कैसे निकालेंगे, 5 क्या है, स्मॉल n है, तो 5-1 4, तो 5 × 4 ये आ गया 20। फिर इसके बाद है क्या, 14। ये बस भाई, तो 14 यहाँ रखेंगे और n-1 मतलब 13, तो 14 × 13 हो गया 182। फिर इन सब का करेंगे प्लस। ये बस भाई, जो प्लस लिखेंगे वो कहाँ रखेंगे, ऊपर। ये बस भाई, तो इन सब का जो प्लस किया तो वो आएगा 926। कितना आएगा, 926। इसको डिवाइड कर देंगे अपन 3540 से, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू ही आई थी अपने पास। इनका जो डिवाइड आएगा 0.26, या आप करके देख सकते हो, ये आपका आएगा। वैसे नेट में देखो कैलकुलेटर देता है, लेकिन नहीं दे तो भी आप इसको एज्यूम करके आराम से इसको निकाल सकते हो, इसमें कैलकुलेटर के बिना भी आंसर हो सकता है। अब देखो उसने सिम्पसन इंडेक्स पूछा है, तब तो 0.26 सही आंसर है, लेकिन अगर उसने सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स पूछा है तो इसको सब कितने में माइनस कर दो, 1 में से, मतलब जो सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स है वो होता है 1-सिम्पसन इंडेक्स। तो सिम्पसन इंडेक्स कितना है अपने पास, 0.26, तो यह 1-0.26 ही आ गया 0.74। ये बस भाई, तो यहाँ पे दो पूछ सकता है, या तो सिम्पसन इंडेक्स पूछेगा या सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स पूछेगा, तो ये आपको आ गया। ये बस भाई, क्वेश्चन कितना देगा, ओनली ये सारे नंबर देगा, बस इतना ही क्या आएगा अपने पास क्वेश्चन, ये आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। और क्वेश्चन आएगा कितने नंबर है, 4 नंबर में आएगा सी पार्ट के अंदर। अब देखो ये तो हो गया सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स, क्योंकि ये कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, सिम्पसन ने। लेकिन अब हम बात करते हैं सैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स की। ये बस भाई, ये जो है सैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स, इससे भी वैसे ही अपन कोई वैल्यू निकालेंगे, लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो जब नेट में क्या दिया हो, कैलकुलेटर, क्या दिया हो, कैलकुलेटर, क्योंकि यहाँ पे अपन को लॉग नेचुरल की वैल्यू निकालनी पड़ती है।
ये बस में लोग नेचुरल की वैल्यू जो निकालोगे आप पॉइंटों में निकालनी पड़ती है ये बस में, तो वो आप पे सीधा नहीं निकाल सकते, उसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो पहला पॉइंट आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी आप सैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स का क्वेश्चन करोगे, तो अगर क्वेश्चन मतलब जो नेट में अपने कैलकुलेटर दिया होगा तो ये अपन सैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स का अटेम्प्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। लेकिन जो सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स अभी पढ़ा था वो आप बिना कैलकुलेटर भी कर सकते हो, और कैलकुलेटर होगा तो जल्दी हो जाएगा। तो इसकी बात करते हैं, तो क्वेश्चन में क्या देगा कि जैसे लॉयन, टाइगर, पैंथर और जेब्रा, इन सब का नंबर देगा, जैसे 20, 25, 5 और 15, इतना ही क्वेश्चन देगा। और क्या पूछेगा, सैनन इंडेक्स। ये बस भाई सैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स इन दोनों में एक ही बात होती है। पहली बात, जो सैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स है उसको लिखते हैं अपन एच से, प्राइम से। किससे लिखते हैं, एच प्राइम से। तो वो जरूरी नहीं है कैसे पूछे सैनन इंडेक्स या सैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स, वो पूछ सकता है कि फाइंड आउट एच प्राइम, तो आपको समझ जाना उसने क्या पूछा है, सैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स। अब देखो यहाँ पे ऐसे नहीं है कि सैनन इंडेक्स पूछा है तो आंसर आया सैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स, उसको वन में से माइनस करना है, ऐसे नहीं करना है। आपको सैनन इंडेक्स पूछे, सैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स पूछे, वो सेम आंसर आएगा। तो इसमें सबसे पहले देखो फॉर्मूला की बात करते हैं, तो फॉर्मूला तो क्या है, समेशन। समेशन मतलब जोड़ना होता है, ऐड करना होता है किसको, जितने भी पी है और जितने भी एल एन पी है। एल एन का मतलब होता है लॉग नेचुरल। ये बस में अपन को जितनी भी वैल्यू पता होती है ना, वो होती है लॉग बेस 10 की। लेकिन अभी इसने किसके पूछा है, एल एन मतलब लॉग नेचुरल ऑफ पी। उन दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा, फिर उन सब का जो ऐड आएगा, वही क्या है अपना आंसर। और सैनन जो इंडेक्स है उसका आंसर अपन को लगभग किस में निकालना होगा, हमेशा प्लस में। लेकिन जो अपन फाइंड आउट करेंगे वो माइनस में आएगा, तो उस माइनस सिंबल को आप चेंज कर लेना किस में, प्लस में। तो इसकी बात करते हैं, तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा, पी निकालना पड़ेगा। तो पी कैसे निकालते हैं, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। तो देखो स्मॉल एन क्या होगा, ये सारे 20, 25, 5 और 15, ये दिए, ये क्या है स्मॉल एन। इन सब का जो प्लस होता है वो क्या होता है, कैपिटल एन। तो जो पी होता है वो होता है स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। जैसे इसके लिए स्मॉल एन क्या है, 20, और कैपिटल एन इन सब का प्लस 65। तो ये आ गया 65, ये आएगा 0.30। ऐसे 25 के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे 25 अपॉन टोटल 65, ये आ गया 0.38। 5 के लिए क्या लिखेंगे, तो एन अपॉन स्मॉल कैपिटल एन, तो ये आ गया 5 अपॉन टोटल 65, ये आ गया 0.076। फिर इसके अलावा मान लो 15 के लिए निकालना, तो कैसे निकालेंगे, 15 अपॉन टोटल 65, ये आ गया 0.23। ये आ गई सारी पी की वैल्यू। अब इस पी की वैल्यू से अपन निकालेंगे एल एन पी, लॉग नेचुरल ऑफ पी। ये बस भाई ये कैलकुलेटर में ऑप्शन आता है, जब भी आप कैलकुलेटर में लिखोगे कि एल एन, वहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, ध्यान से देखना कि एक तो आएगा लॉग बेस 10 और एक आएगा एल एन। ये बस भाई, तो एक तो मतलब लॉग बेस 10 की वैल्यू आएगी और एक लॉग नेचुरल लिखा होगा या एल एन लिखा होगा, तो आपको वहाँ पे एल एन निकालना है। पहला पॉइंट वहाँ पे जैसे ही लिखाओगे एल एन, फिर आगे लगाना 0.30, तो आपका आंसर आ जाएगा वहाँ पे -1.2। तो वो यहाँ पे पुट कर दिया अपने। फिर 0.38 का क्या होता है, जब इसका एल एन लॉग नेचुरल निकालोगे तो ये आएगा 0.96 आएगा माइनस के अंदर। फिर 0.0676 लगाओगे तो -2.5 आएगा। फिर 0.23 लगाओगे तो कितना आएगा, -1.46। ये बस में तो ये तो होगी सारी पी की वैल्यू, ये होगी सारी लॉग नेचुरल ऑफ पी की वैल्यू। इन सबको फिर क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा जैसे -0.36, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.38 इंटू -0.96, तो ये आएगा माइनस का 0.36। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -0.17, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -0.335। फिर इन सब का क्या करना होता है, प्लस। तो अपने जैसे ही सबको प्लस किया तो आंसर तो माइनस में ही आएगा, लेकिन सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो ये आएगा -1.223, लेकिन आंसर जब भी आएगा वो माइनस में नहीं आएगा, किस में आएगा, प्लस में। तो इस माइनस सिंबल को चेंज कर लो प्लस में, तो इसका जो सिम्पसन इंडेक्स या सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स है वो क्या आ गया, +1.225। ये बस में ऐसे निकालते हैं अपन सैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स। लेकिन ये क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट करना है जब क्या हो, कैलकुलेटर हो। इसे जो पहले अपन ने पढ़ा सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स, वो बिना कैलकुलेटर भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बस भाई, अब यहाँ पे देखो ये दोनों आपको समझ आ गए। अब यहाँ पे एक एकदम इजी क्वेश्चन आता है, मतलब आप है ना इसका सैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स वो सब निकाल सकते हो, है ना। जो अपने ये क्वेश्चन नंबर 4, 15 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे सैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि इसमें देखो वैल्यू बहुत ज़्यादा दे रखी है कि दो कम्युनिटी है, ये मान लो ऊपर वाली ए है और नीचे वाली बी है। ये बस भाई, और पूछा है कि इसमें डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, ये बस भाई, या फिर किसमें रिचनेस ज़्यादा होगी। रिचनेस से एक टाइप से क्या होगी, डाइवर्सिटी, विभिन्नता होगी। तो अब देखो इसमें देखो
इसमें दे रखा है। अब इसको अपन देखो 3/45 निकालेंगे, फिर उसका ln निकालेंगे, फिर उन सबको प्लस करेंगे तो इक्वेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको ये पहली बात कैलकुलेट नहीं करना, इतना ज़्यादा दी वैल्यू तब आपको कैलकुलेट नहीं करना। दो या तीन वैल्यू दी हो, चार दी हो तो अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे दिया हो तो ऐसे अटेम्प्ट नहीं करना। इसकी सीधी स्ट्रेटजी मैं बताता हूँ। पहला पॉइंट, आपको सिर्फ ये वैल्यू लिखनी है, यहाँ पे जो लिखेगा ये सोल्व करने का मेथड है सैन एंड डाइवर्सिटी इंडेक्स का, ये आपको नहीं लिखना है। तो सबसे पहले देखो इस कम्युनिटी ए के अंदर 3, 4, 8, 2, 5, 6, 4, 5, 3, 5 ये दे रखे हैं, और कम्युनिटी बी के अंदर क्या दे रखे हैं 1, 2, ये आपको नहीं लिखना है, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 15, 13, 3 और 4, ये बस में। तो आपको बस सीधा पॉइंट याद रखना है कि जिसकी इवननेस ज़्यादा उसकी रिचनेस ज़्यादा, ये बस में, मतलब जिसकी इवननेस ज़्यादा उसकी रिचनेस या डाइवर्सिटी ज़्यादा। तो देखो इसमें देखो 3 के आसपास 4 है, 4 के आसपास 8 है, 8 के आसपास ही 2 है, 2 के आसपास 5 है, 5 के आसपास 6, मतलब सारे क्या है एकदम आसपास है, इसी को क्या बोलते हैं इवननेस। तो मतलब इसमें कुछ इवननेस है। फिर नीचे वाले कम्युनिटी बी के अंदर देखते हैं, तो इसमें देखो 1 के पास 2 है, चलो मान लेते हैं 2 के पास 1 है, 3 है, 2 है, 1, लेकिन क्या 1 के पास 15 है क्या? नहीं है, ये बस में। क्या 13 के पास 3 है क्या? नहीं है, ये बस में। तो इसमें ना सारे आसपास नहीं है, तो इसमें इवननेस क्या है? कम। तो ऊपर वाले की इवननेस क्या है? ज़्यादा। तो जिसकी इवननेस ज़्यादा उसकी डाइवर्सिटी या रिचनेस ज़्यादा, तो जो कम्युनिटी ए है उसकी जो डाइवर्सिटी या रिचनेस है वो क्या होगी? ज़्यादा। यही क्या है सी पार्ट में 4 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो इसको आपको सोलो नहीं करना होता, सीधा क्या याद रखना है कि जितनी इवननेस ज़्यादा उसका जो सैनन का जो डाइवर्सिटी इंडेक्स है वो भी क्या होगा? ज़्यादा, ये बस भाई। तो जो सैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स पूछ ले बहुत सारी वैल्यू देख के, तो भी आपको ये ट्रिक लगानी है कि जिसकी इवननेस ज़्यादा, जो आपस में सारे आसपास हो, उसकी डाइवर्सिटी इंडेक्स क्या होगा? ज़्यादा। ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है, ये बस भाई। अब देखो यहाँ पे एक और पूछ लेता है कि जैसे पाइलो का इवननेस इंडेक्स, इसको अपन लिखते हैं जे से, ये क्या होता है एच प्राइम ऑब्जर्व अपॉन एच प्राइम मैक्सिमम, ये बस में, एच प्राइम ऑब्जर्व अपॉन एच प्राइम मैक्सिमम, ये बस में। तो ये अपन को दोनों वैल्यू पुट कर लेने हैं, एक अपन फाइंड आउट करेंगे और एक अपन को वो क्वेश्चन में देगा, ये बस में। तो जो जे की वैल्यू है, जे मतलब पाइलो इवननेस इंडेक्स, इसकी 0 से 1 हो सकती है, मतलब या तो मिनिमम 0 मैक्सिमम 1, इससे बाहर नहीं जाएगी, या 0 से 1 के बीच में वैल्यू, ये बस भाई इसमें आएगी। अब इसके बाद क्या देखो यहाँ पे, ये बस भाई, तो इनमें से एक देगा एक नहीं देगा, अपन को फिर वो फाइंड आउट करना है, ये बस भाई। जैसे एच प्राइम ऑब्जर्व है, ये बस भाई, और यहाँ पे क्या है एच प्राइम मैक्सिमम है, जैसे इनमें से एक वैल्यू वो क्वेश्चन में देगा और एक आप निकाल के आप सैन एंड डाइवर्सिटी इंडेक्स निकाल सकते हो, एच प्राइम क्या है सैन एंड डाइवर्सिटी इंडेक्स, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो मान लो कम्युनिटी हो, उसमें जो स्पीसीज के जो इंडिविजुअल का नंबर है, ये बस भाई, अगर वो सेम हो, मतलब सारे आसपास हो, तो उसमें मैक्सिमम क्या होती है इवननेस, वैसे इवननेस मतलब सारे क्या हो आसपास। अब देखो ये है ना, ये क्वेश्चन भी नेट में बहुत बार रिपीट होता है, इसको आप कैसे देखोगे कि जैसे ये ग्राफ बना रखा है, इसमें इधर क्या स्पीसीज की रिचनेस, मतलब स्पीसीज का जो नंबर है टाइप से जो विभिन्नता है वो दे रखी है, और यहाँ पे क्या दे रखा है डिस्टर्बेंस, मतलब क्या हो डिस्टर्बेंस क्या होता है, जैसे मान लो उसको रहने के लिए जो एकदम परफेक्ट कंडीशन है वो नहीं मिल रही, उसको बोलते हैं डिस्टर्बेंस। तो आपको पॉइंट ये याद रखना है कि मीडियम डिस्टरबेंस पे, इस पे मीडियम डिस्टरबेंस पे जो स्पीसीज की रिचनेस होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, बस भाई। मीडियम डिस्टरबेंस पे स्पीसीज की रिचनेस क्या होती है? ज़्यादा। ये भी नेट में क्वेश्चन पूछा है, ग्राफ बना के भी पूछ सकता है, सीधा भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे कौन रहेगी? जो यहाँ पे है वो क्या होते हैं एक्सट्रीम कंडीशन, मतलब एकदम खराब कंडीशन होती है, ये बस में, रहने के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कौन रहते हैं? मैंग्रोव। कौन रहते हैं? मैंग्रोव प्लांट्स, इनको बोलते हैं टॉलरेंट स्पीसीज, मतलब ये सहन कर सकते हैं किसको? एक्सट्रीम कंडीशंस को, ये बस में। तो ये अभी आपको आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, तो वो क्या दे रखा है ग्रिम्स ट्रायंगल, इससे भी सी पार्ट में क्वेश्चन आते हैं, सीधा सीधा आप याद कर लेना, अच्छे से मैं समझा देता हूँ, सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। अब देखो ये अपना ट्राइंगल है, ये बस में, तो यहाँ पे जो ऊपर वाला पॉइंट है वो होता है सी, सी का मतलब कॉम्पिटिटिव, ये बस में, मतलब इनमें क्या है ये आराम से कॉम्पीट कर सकते हैं किसी से भी, इनमें क्या होता है हाई कॉम्पिटिशन। यहाँ पे देखो एस दे रखा है, एस का मतलब स्ट्रेस टॉलरेंट, ये बस में, मतलब जो खराब कंडीशन है उनको भी ये सहन कर सकते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे आर है, मतलब रूडरल स्पीसीज, ये बस में। तो इनकी अब बात करते हैं, तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये जो सी है इसका मतलब यहाँ पे हाई कॉम्पिटिशन है और नीचे क्या है लो कॉम्पिटिशन, ये बस में। और ये रूडरल स्पीसीज का मतलब क्या है एक टाइप से डिस्टरबेंस, ये बस में। तो यहाँ पे क्या है हाई डिस्टरबेंस है, ये बस में, और यहाँ पे लो डिस्टरबेंस। और इस एस का मतलब यहाँ पे क्या है हाई स्ट्रेस है, लेकिन क्या है यहाँ पे ऊपर क्या होगा लो स्ट्रेस, ये बस में। तो लो से हाई जाएगा, ऐसे ही लो कॉम्पिटिशन से हाई कॉम्पिटिशन, लो डिस्टर्बेंस से
हाई डिस्टरबेंस, ये बस में आई। तो आपको देखो पहला पॉइंट ये याद रखना है कि जो कॉम्पिटिटिव वाला है ये बात, या में हाई कंपटीशन है वहाँ पे कौन रहेंगे, हर्बीवोर्स। कौन रहेंगे हर्बीवोर्स? फॉर एग्जांपल हिरन, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, जो एस है ये बस में, वो क्या है स्ट्रेस टॉलरेंट। तो वहाँ पे कौन रहेंगे, मैंग्रोव प्लांट्स, कैक्टस, थोर, ये बस में। तो ये सारे कहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे। सीधे सीधे यही पूछता है, पूरा ट्राइंगल बनाएगा ए बी सी देगा और आपको पूछेगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो आर है रुडरल स्पीसीज है, जहाँ पे डिस्टर्बेंस क्या होता है ज़्यादा, वहाँ पे कौन रहते हैं, ग्रास ओपर, इंसेक्ट, ये बस में। कोई एनुअल प्लांट्स है जैसे कि आर्जिमोन मैक्सिकाना, ये बस में, ये आपको याद है रखना है। अब देखो जहाँ पे मतलब मीडियम कॉम्पिटिशन हो, ये बस में मीडियम स्ट्रेस हो और मीडियम डिस्टर्बेंस हो, तो उसके बीच में कौन रहता है, यहाँ पे पेरेनियल हर्ब्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन रहते हैं, पेरेनियल हर्ब्स। ऐसे ही देखो जो मीडियम स्ट्रेस वाली जो कंडीशन है, यहाँ पे लो स्ट्रेस है, यहाँ पे हाई स्ट्रेस है, तो बीच में क्या होगा, मीडियम स्ट्रेस। तो मीडियम स्ट्रेस पे कौन रहेगा, ट्री और प्लांट। तो ये आपको याद होने चाहिए, कितने, 1, 2, 3, 4 और 5, ये बस में कहाँ पे कौन रहता है। अब देखो जैसे 4 नंबर में क्वेश्चन कैसे आया ये भी बताता हूँ। ये ट्राइंगल बनाएगा, ग्रिम्स ट्राइंगल, और इसमें ए बी सी दे दिया। तो देखो ए पॉइंट पर कौन रहता था, रूटरल स्पीसीज। अब उसने नाम क्या दिया यहाँ पे, एनुअल प्लांट्स। तो ए पे कौन रहेगा, एनुअल प्लांट्स। बी में याद करो पेरेनियल हर्ब्स रहती है, तो बी पे कौन रहेगी, पेरेनियल हर्ब्स। और सी पे कौन रहेगा, ट्रीज या प्लांट्स या सर्ब्स। तो ये सी पॉइंट पर रहेंगे। ऐसे क्वेश्चन आएगा 4 नंबर के अंदर। तो ये क्वेश्चन आपको आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं हम स्पीसीज का इंट्रेक्शन, मतलब कोई दो स्पीसीज है ये बस में, वो आपस में इंट्रेक्शन कैसे करती है ये बस में। तो अब देखो यहाँ पे पहला है इसमें म्यूचुअलिज्म। लेकिन उससे पहले अपन थोड़ी बात करते हैं कि देखो दो स्पीसीज है वो आपस में इंटरेक्ट कर रही है, कैसे इंटरेक्ट करेगी, कि मान लो क्या हो, दोनों आपस में एक दूसरे को फायदा करे, या दोनों आपस में एक दूसरे को नुकसान करे, या दोनों आपस में कुछ भी नहीं करे, या एक कंडीशन ये है कि एक फायदा करे एक कुछ भी नहीं करे, या एक कंडीशन एक नुकसान करे एक कुछ भी नहीं करे। तो यही सारी अपन पढ़ने हैं इसमें स्पीसीज इंटरेक्शन के अंदर। तो देखो सबसे पहले इस म्यूचुअलिज्म पढ़ने से पहले एक पॉइंट बताता हूँ आपको, सिम्बायोसिस। देखो कोई चीज़ साथ साथ है ना, वही क्या है सिम्बायोसिस, एक ब्रॉड टर्म है, उसी की एग्जाम्पल एक टाइप से, मतलब ये क्या है म्यूचुअलिज्म हो रही है, सब इसी के अंदर आते हैं। तो सिम्बायोसिस के एक ब्रॉड टर्म है, एक बड़ी टर्म है, इसमें क्या होता है साथ साथ होनी चाहिए बस, बस में साथ रहना जरूरी है, चाहे वो दोनों एक दूसरे को क्या करें, फायदा। प्लस प्लस का मतलब ये भी फायदा कर रहे हैं और बी वाला भी फायदा कर रहा है, ए बी को फायदा कर रहा है, बी ए को फायदा कर रहा है, चाहे दोनों को नुकसान हो चाहे दोनों को कुछ भी नहीं हो, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या हो गया, एक ब्रॉड टर्म। लेकिन अपन इसमें क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले जैसे पढ़ा म्यूचुअलिज्म, तो अपने ये बस में म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या होता है, जो स्पीसीज 1 और 2 है वो आपस में एक दूसरे को फायदा कर रही है। जैसे स्पीसीज 1 2 1 बोल रही है 2 को, मैं तेरे को फायदा करती हूँ, 2 बोल रही है 1 को, मैं तेरे को फायदा करती हूँ। तो इसको लिखते हैं अपन प्लस से, प्लस से, प्लस प्लस का मतलब समझ गए, दोनों का आपस में फायदा। इसका एग्जाम्पल है देखो, हर्मिट क्रैब एंड सी एनिमोन, ये बस में दोनों एक दूसरे को फायदा करते हैं। लाइकन, राइजोबियम या माइकोराइजा, ये बस में सिम्बायोसिस में रहते हैं प्लांट के साथ, आपको पता है ये बस में। अब इसके बाद देखो यहाँ पे एक नाम लिख रखा है, ऑब्लिगेटरी और फैकल्टेटिव। ये बस में क्वेश्चन तो आपको यहीं से आ जाएगा, या तो म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल आ जाएगा, या पूछ लेगा म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, तो दोनों को फायदा होता है प्लस प्लस। अब देखो ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या है, जैसे ऑब्लिगेटरी क्या हो गया, लाइकन है ये बस में लाइकन है, तो उनको दो स्पीसीज का मान लो रहना एकदम जरूरी है, कि साथ में रहेंगे तो ही जिंदा रहेंगे, साथ में नहीं रहे तो जिंदा नहीं रहेंगे, ये बस में, ये क्या होता है ऑब्लिगेटरी। फैकल्टेटिव में क्या होता है, कि दोनों स्पीसीज साथ साथ रहे तो भी ठीक, नहीं रहे तो भी ठीक, ये बस मतलब इसमें रहना जरूरी नहीं है, जरूरी का मतलब मैंडेटरी, ये बस में यहाँ पे मैंडेटरी नाम लिख रखा है, मतलब जरूरी नहीं है, साथ रहे तो भी ठीक, नहीं रहे तो भी ठीक, इसलिए इसको और क्या बोलते हैं, प्रोटो कॉर्पोरेशन, ये बस में। तो म्यूचुअलिज्म आपको आ गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कमेंसलिज्म की। कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को फायदा होता है एक को कुछ भी नहीं होता, ये बस में, एक को फायदा होता है एक को कुछ भी नहीं होता, ये बस में, दो स्पीसीज के बीच में इंट्रेक्शन होगा सीधी सी बात है, तो एक को फायदा एक को कुछ नहीं। तो इसमें एग्जाम्पल है एपीफाइट, ये बस में, ऑर्किड्स, जो क्या होते हैं, जैसे मान लो जो हाइग्रोस्कोपिक रूट्स हैं ये बस में, हाइग्रोस्कोपिक रूट्स मतलब वेलामेंट टिश्यू, ये बस में, मतलब रूट क्या होती है एकदम एनवायरमेंट में होती है, वो वाटर के लिए काम आती है ये बस में। तो इसकी ये बस में जो एपीफाइट्स है उसकी रूट में पाए जाते हैं ये बस में। ये क्या करते हैं, जो वाटर वेपर है ना, या फिर वाटर है उसको एब्जॉर्ब करते हैं ये बस में, और प्लांट को प्रोवाइड करते हैं ये बस में। तो प्लांट को तो फायदा होता है लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता। इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल है, लियानस, मतलब जितने भी बेल वाले प्लांट है ये बस में। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हो गए, कमेंसलिज्म के। तो पहला पॉइंट आपको यही रखना है, कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को फायदा एक को कुछ नहीं, और एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं अमेंसलिज्म की।
तो अमेंसलिज्म में पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि एक को नुकसान होता है, एक को कुछ नहीं होता, एक को नुकसान, एक को कुछ नहीं, ये बस में। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कोई प्लांट है, वो केमिकल सीक्रेट करे, केमिकल मतलब कोई भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, और क्या करे, जो प्लांट है ना वो चाहता है कि मेरे कोई दूसरे आसपास है ना, मेरे कोई दूसरा प्लांट नहीं है, तो वो क्या करता है, कुछ केमिकल सीक्रेट करेगा। तो प्लांट ने कुछ केमिकल सीक्रेट किए सेकेंडरी मेटाबोलाइट, इससे क्या होगा, दूसरे प्लांट की जो ग्रोथ है वो प्रिवेंट हो जाएगी, ये बस में। दूसरे को तो नुकसान हो रहा है, लेकिन जिसने सीक्रेट किए उसको कुछ भी नहीं हो रहा। इसी को एक नाम और देते हैं क्या, एलोपैथी, बस में। मतलब एक को नुकसान, एक को कुछ नहीं। देखो जैसे ना, ये जितने भी और देर के ना कि दोनों को फायदा, ये भी इसके एग्जाम्पल आ सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है कि अमेंसलिज्म में एक को नुकसान होता है, एक को कुछ नहीं, यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसके बाद जो फोर्थ है अपना स्पीसीज इंट्रेक्शन, वो क्या, पैरासिटिज्म। तो पैरासिटिज्म में आपको याद रखना है कि एक को फायदा होता है, एक को नुकसान होता है, ये बस, एक को फायदा एक को नुकसान। तो ये बात करते हैं, जैसे पैरासाइट है, पैरासाइट एक्टो पैरासाइट भी हो सकते हैं और एंडो पैरासाइट भी हो सकते हैं। तो सीधी सी बात है, पैरासाइट कहाँ रहेंगे, होस्ट में। अब मान लो होस्ट है, जैसे मान लो ह्यूमन ही है, ह्यूमन होस्ट हो सकता है, मतलब अपने अंदर पैरासाइट रहते ही है। तो अब देखो पैरासाइट क्या बोलता है, मैं खाना खाऊंगा तेरे से, ये बस, तो उसको खुद को फायदा हुआ, वैसे चलो वो खाना खा रहा है, वो रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं थी, ये ठीक था, लेकिन वो बोलता है मैं खाना खाऊंगा, मेरे को तो फायदा होगा, लेकिन मैं तेरा नुकसान भी करूंगा, ये बस में। वो क्या करता है, होस्ट को नुकसान भी पहुंचाता है। तो मतलब खुद को फायदा हुआ पैरासाइट को, और होस्ट को नुकसान पहुंचा है, इसी को क्या बोलते हैं, पैरासिटिज्म। ऐसे मान लो प्रीडेटर प्रे, मान लो शेर ने हिरण को खाया, तो शेर को तो फायदा हुआ, लेकिन हिरण को क्या हो गया, नुकसान, ये बस है, क्योंकि उसकी तो जिंदगी चली गई। तो प्रीडेटर और प्रे के बीच भी क्या होगा, पैरासिटिज्म, मतलब एक को नुकसान, एक को फायदा। और क्या एग्जाम्पल है, जैसे कसकटा, पलम, जिजीफस, जिजुबा, या फिर लोयन एंड डियर की बात करें, ये बस में शेर और हिरण की बात करें, ये सारे क्या है, पैरासिटिज्म, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्पिटिशन की, ये बस में। ऊपर से भी नेट में क्वेश्चन आते हैं, जितने अपन ने चार पढ़ लिए, यहाँ से भी क्वेश्चन नेट में आ सकता है। तो कंपटीशन में आपको क्या याद रखना है कि दोनों को नुकसान होता है, कि जब भी कंपटीशन होगा तो दोनों को क्या होगा, नुकसान। अब देखो इसमें कंपटीशन कैसे होता है, इंटर स्पीसीज और इंट्रा स्पीसीज। पहला पॉइंट तो आपको यही समझ में आना चाहिए कि इंटर क्या होता है, इंट्रा क्या होता है। तो देखो इंट्रा स्पीसीज होती है, एक स्पीसीज के अंदर जो लड़ाई होती है उसको बोलते हैं इंट्रा स्पीसीज। इंटर स्पीसीज का मतलब है दो स्पीसीज के बीच में जो लड़ाई होती है वो होते हैं इंटर स्पीसीज। आ गया ये पॉइंट समझ, इंट्रा मतलब एक के बीच और इंटर मतलब दो स्पीसीज के बीच, मतलब इंट्रा होती है घर की लड़ाई और इंटर स्पीसीज होती है पड़ोसी की लड़ाई। और क्या हो सकता है इसमें, कोई एनवायरनमेंट की वजह से कंपटीशन हो, ये बस में। तो अब देखो इसमें हम बात करते हैं कि इंटर स्पीसीज खतरनाक होता है, इंट्रा स्पीसीज, ये बस में। तो इसी की बात कर लेते हैं, जैसे दो पड़ोसी की लड़ाई है, ये बस में, मान लो दो स्पीसीज की लड़ाई है, तो वो या तो रहने के लिए लड़ाई करेंगे, स्पेस के लिए, या खाने के लिए लड़ाई करेंगे, ये बस में। तो ये दो की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे, कंपटीशन। ऐसे हम जो इंट्रा स्पीसीज है, मतलब एक स्पीसीज के अंदर जो लड़ाई हो रही है वो कौन खतरनाक है या इंटर स्पीसीज खतरनाक है, ये बात करते हैं। तो देखो रहने के लिए लड़ाई हो सकती है, सही बात है, फूड के लिए भी लड़ाई हो सकती है, खाने की हो सकती है, इसमें एक और लड़ाई होती है किसकी, मेटिंग की, ये बस है, मेटिंग चॉइस की, ये बस में। तो इसमें क्या है, इसकी वजह से क्या होता है, ये ज्यादा खतरनाक होता है, मतलब जो घर की लड़ाई होती है ना वो ज्यादा खतरनाक होती है एज कंपेयर टू पड़ोसी की लड़ाई, ये बस में। तो इंट्रा स्पीसीज इज मोर डेंजरियस देन इंटर स्पीसीज, ये बस में। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अब इसके बाद देखो जो कंपटीशन है उसमें दोनों को नुकसान होगा, ये पॉइंट मैंने पहले बता दिया। ये तीन टाइप का कंपटीशन है, एक था इंटरफेरेंस, एक है एक्सप्लोटेशन, और एक है अपेरेंट कंपटीशन। तीनों क्या होते हैं और इनको तीनों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसे। तो देखो इंटरफेरेंस की बात करें तो इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, जैसे मान लो ए और बी है, वो आपस में एक दूसरे के सामने, वैसे आमने सामने की जो लड़ाई है, मतलब ए बी को नुकसान पहुंचा रहा है और बी ए को नुकसान पहुंचा रहा है, तो जो आमने सामने की लड़ाई होती है, डायरेक्ट जो लड़ाई होती है, ये बस में, उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन, ये बस में। तो आमने सामने की लड़ाई, डायरेक्ट कंपटीशन, तो इंटरफेरेंस आ गया समझ में। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस ए फिर ऐसे इस लगा के एरो, और फिर माइनस, नीचे भी माइनस और बी, ये बस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन भी पूछ सकता है, और क्या होता है, डायरेक्ट लड़ाई। एक्सप्लोटेशन में क्या होता है कि मान लो इसमें क्या होगा कि रिसोर्स के लिए कंपटीशन होगा, जो खाना है उसके लिए क्या होगा, कंपटीशन। दोनों मान लो ए और बी दो स्पीसीज हैं, उसके लिए जो रिसोर्स है वो क्या है, सेम, क्या है, सेम रिसोर्स है। तो देखो रिसोर्स जब खाएंगे तो ए को फायदा होगा, सही बात है, बी को भी फायदा होगा, क्योंकि वो क्या खा रहे हैं, दोनों रिसोर्स। लेकिन अगर मान लो ए नहीं होता तो बी सारा खाता, सीधी सी बात है, और मान लो बी नहीं होता तो ए सारा खाता, ये बस है। मतलब इनडायरेक्टली क्या हो रही है, इन दोनों के मतलब आपस में क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है, ये बस में। तो दोनों को नुकसान तो हो ही रहा है, क्योंकि देखो अगर एक होता तो वो रिसोर्स पूरा खाता, लेकिन अब बीच में बंटवारा हो गया, ये बस में। तो इन दोनों में क्या हुआ, नुकसान।
एक्सप्लोइटेशन होता है वो रिसोर्स के लिए कंपटीशन होता है, मतलब रिसोर्स नाम आते ही आपको समझ जाना है कौन सा है, एक्सप्लोइटेशन कंपटीशन, ये बस भाई। तो ये इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके अलावा जो तीसरा है अपना वो है पेरेंट कंपटीशन। एपेरेंट कंपटीशन क्या होता है कि मान लो ए और बी दो स्पीसीज है, उनको मान लो दोनों को शेर खाना चाहते हैं, तो शेर क्या हो गया कार्निवोरस, तो शेर को तो दोनों किसी को भी खाए तो फायदा ही मिलेगा, ये बस में। लेकिन इन दोनों को आपस में क्या होगा एक टाइप से नुकसान, कैसे नुकसान होगा कि मान लो अगर ए बच गया ये बस में तो बी को नुकसान हो जाएगा, और मान लो बी बच गया तो ए को नुकसान हो जाएगा क्योंकि ए को खा जाएगा शेर, ये बस में। तो दोनों को आपस में क्या है नुकसान, तो इनडायरेक्ट नुकसान है ये बस में। तो इसमें कैसा होता है बचने का संघर्ष, ये बस में ये कैसा होता है बचने का संघर्ष, पहला पॉइंट ये दे रखना है। और रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा इस टाइप से, ये क्या होता है अपेरेंट कंपटीशन, तीनों ही नेट में पूछे हुए। इसके अलावा यहाँ पे देखो एक नाम मौलिक का है स्पाइट, तो स्पाइट के लिए आपको क्या याद रखना है कि इसमें भी दो स्पीसीज को आपस में क्या होता है नुकसान, ये बस में ये भी नेट में क्वेश्चन आया हुआ है, ये बस में ये भी नेट में क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर आपको अब जो अपनी क्लास अगली क्लास है उसमें अपन पढ़ेंगे लॉर्ड का वोल्टेरा मॉडल, सारे एकदम ईजी लगेंगे आपको, अच्छे से अपन समझेंगे, ये बस भाई। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब आर एस करियर इंस्टीट्यूट बायोलॉजी, एंड थैंक यू बच्चों।